बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं आ गई हूँ रोड पे। तो आज मौसम थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि रात को लेट नाइट होगी जी, आज रात को बारिश, तो उससे काफ़ी बेहतर है मौसम। हवा तो नहीं है लेकिन ये है कि चले मौसम अच्छा है। अच्छा जी, ये देखें, ये अजवा दूध पी रही है और साथ साथ जो है मामा इसकी घूम रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अजवा थी जी रात को बड़ी खुश क्योंकि उसको आज इधर बंद किया था तो जगह काफ़ी थी और सामने मामा भी नज़र आ रही थी इसे, इसलिए ये आज ज़रा खुश थी। तो अभी तक बिल्कुल चुप थी, अभी हो गए दिन के 11:30, तो बिल्कुल खामोशी थी। मैं जब आई हूँ तो ये सोई हुई थी। इन तीनों को भी डाल दिया खाना, लूसन डाला और ये तीनों भी खा रहे हैं और अजवा वो घूम रही है और दूसरे बच्चे भी खा रहे हैं। अच्छा जी, मुझसे सवाल पूछा गया कि गबन बकरी एक माह की तकरीबन या डेढ़ माह की हो तो उसकी क्या निशानी है। तो उसकी निशानी ये है, सबसे पहले कि जो इसके थन होंगे हल्का सा 19-20 का फ़र्क इसमें आना शुरू हो जाएगा, हल्का सा, बिल्कुल मामूली से। ये देखें, पता लग रहा होगा, बिल्कुल आधी इंची का भी नहीं ना, आधा इंच का भी नहीं, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और ये जो ऊपर से जगह ये खुश्क होना शुरू हो जाएगी, हैवाना छोटा होना शुरू हो जाएगा, जिसे हैवाना बोलते थान ने, तो ऊपर से हैवाना छोटा होना शुरू हो जाएगा। और बेशक बकरी दूध दे भी रही है लेकिन उसका हैवाना जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बकरी गबन है कि नहीं। तो वैसे तो ये है कि उसकी खाल में शाइन आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सामने पता लगना शुरू हो जाता है। जब शुरू के दिन होते हैं तो बकरी एकदम से कमज़ोर होना शुरू होती है, जिससे लोग समझते हैं कि पता नहीं जी बकरी खा नहीं रही और बीमार हो गई, जबकि वो बीमार नहीं होती। कि जैसे ही वो स्टार्टिंग के दिन होते हैं तो बकरी की एकदम से हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद महीने बाद जाके फिर वो शाइन आना शुरू हो जाती है और उसकी जिस्म जो है भारी भारी लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये बड़ी कोई हेल्दी बकरी है, हालाँकि वो खाएगी पिएगी वही वाला, लेकिन शाइन आना शुरू हो जाती है जिस्म, ऐसे जैसे कि ऑयल लगा हुआ है जिस्म पे, इस तरह का जिस्म उसका होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। अजवा दूध पी ले, एक तो अजवा ने जो है ना इसके खेल ने तंग किया हुआ, दूध नहीं पिएगी, खेलना शुरू कर देगी और फिर मुझे जाना भी होता नीचे, तब तक फिर मैं इसके इंतज़ार में खड़ी रहती हूँ कब ये पी चुके और फिर मैं इसको बंद करके जाऊँ, क्योंकि इसको ओपन नहीं छोड़ती कि बड़े जानवर हैं साथ तो खुदा ना हादसा मारे ना। बकरी के जिस्म से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो गबन है कि नहीं, तो ये इसकी पहली निशानी है। बाकी अगर आपके अपने जानवर हैं तो उस पर तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, आपके पास बकरा भी है और बकरी भी, तो फिर आइडिया हो जाना चाहिए। लेकिन ये उन भाइयों के लिए जिनके जिनको समय नहीं है या वो प्रॉपर टाइम नहीं देते, तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सिस्टर कैसी क्या निशानी है। तो यही है कि सबसे पहले कि बकरी या तो एकदम पहले वीक होगी, उसके बाद जो है फिर उसका जिस्म जो है ना भारी भारी होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा, ये हैवाने में अगर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आधा इंची का फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, दूध खुश्क करना शुरू कर देगी, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और इस तरह इसके बकरी के जिस्म में शाइन आना शुरू हो जाएगी जो कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी जो मेन निशानियां वो यही है कि शुरू में बकरी एकदम से कमज़ोर होगी और उसके बाद उसका जिस्म जो है ना ऐसे लगेगा जैसे सीने से आगे से उसका हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, अगली टांगें और गला गर्दन ये भारी होना शुरू हो जाएगी, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और नंबर दो, उसके जिस्म पे फिर शाइन आना शुरू हो जाएगी, वो वाली शाइन जो कि पहले उसके जिस्म पे नहीं थी, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन गुजरे और उसके बाद कमज़ोर हो, फिर जब जैसे ही उसने सेहत पकड़ी तो उसमें एक शाइन आ गई, तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है। नंबर तीन पे, हैवाने में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा जो कि आपको गौर से देखने से नज़र आएगा, अगर तो बकरी को हैवाने का कोई मसला नहीं है तो तब, तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि एक इंसान को
अगर गौर से देखा जाए तो पता लगना शुरू हो जाता है कि आया मेरा जानवर गबन है कि नहीं है। तो ये जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद घर में जानवर रखेंगे और उनको समझेंगे तो तब जाके आपको पता लग जाएगा। ये थी आज मेरी छोटी सी वीडियो, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।